A 54-year-old female patient came to us with the complaints of poor urinary stream and intermittency of stream with straining during urination for the past 10 years. She had bleeding in urine for past 2 years, which happened to be after her menopause and was misdiagnosed to be uterine bleeding. Bleeding in her stool was also present. She was evaluated and a growth was seen coming out of her urethra. A urethra is a urinary tube that connects the bladder to the outside and helps in peeing. Sonography revealed endometrium of 4 mm. Rest all the parameters were normal. Her MR urogram revealed a suspicious localized mass which could be cancerous. We did a cystourethroscopy for her and excised the mass, which came out to be non-cancerous on histopathology. It was an angiomyxoma. We also did a hysteroscopy to see her uterus, which showed a benign polyp, which was excised in the same sitting. For her rectal bleeding, a sigmoidoscopy was done after initial evaluation, which revealed a non-cancerous ulcer on biopsy and was managed conservatively. After surgery, the patient is totally symptom-free and satisfied. Hence, a careful evaluation and pinpoint diagnosis is important in such cases of postmenopausal bleeding, which can be wrongly attributed to uterine cause alone. Hence, looking into other organs for a cause is also important before chopping off the innocent uterus. Namaskar, mera naam Dr. Indira Sareen hai aur main Jaipur mein as a urogynecologist Mangalam Plus Medicity Hospital mein karyarat hoon. आज हम अपने पेशेंट मिसेस ममता जी के सिम्टम्स के बारे में, जो कि मेरे पास यूरेथ्रल मास की कंप्लेंट के साथ आई थी और इनको पेशाब में ब्लड आता था उसके साथ आई थी, तो आज हम देखते हैं कि इनको सिम्टम्स में रिलीफ मिला है या इनके साथ हमने जो ऑपरेटिव प्रोसीजर किया उससे इनको क्या रिस्पॉन्स रहा. नमस्कार ममता जी. आप बताएं, पहले आपको क्या परेशानी थी जिसकी वजह से आप मेरे पास आई और कितने टाइम से ये परेशानी थी? मैम, मेरे को बहुत टाइम से आवेरी में प्रॉब्लम बताई गई थी जहाँ यूट्रस निकलने की बात करी थी अधिकतर डॉक्टर्स ने, लेकिन बाद में आपके टेस्ट के बाद में मुझे पता चला कि मेरी यूरिन में गांठ थी और यूट्रस बिल्कुल ठीक था. तो उसके बाद में जैसे ही आपने मेरे को बताया कि यूट्रस नहीं निकलवाना है, तो मेरी यूरिन की गांठ जो थी वो उसकी सर्जरी करके आपने बिल्कुल ठीक कर दिया. और अच्छा हुआ कि मेरी जो यूट्रस निकालने की था वो सॉल्व हो गया, यूट्रस नहीं निकला. तो मेरे को मतलब सही तरह से आपने डायग्नोसिस दिया किया मतलब, और सर्जरी मेरी बहुत अच्छी हुई है. मैं बहुत रिलीफ महसूस कर रही हूँ, बहुत अच्छा कंफर्टेबल महसूस कर रही हूँ मैं अपने के लिए. मैं बहुत आपका धन्यवाद और थैंक यू. थैंक यू सो मच. यूरेथ्रल या पेरी यूरेथ्रल मासेस यानी कि पेशाब के रस्ते में गांठ का हो जाना, ये गांठ कैंसरस हो सकती है यानी कि मैलिग्नेंट, और बिनाइन हो सकती है यानी कि नॉन कैंसरस. ये गांठ बाय बर्थ हो सकती है यानी कि कंजेनाइटल हो सकती है, या फिर किसी भी इन्फेक्शन होने के कारण या इंजरी यानी कि पेशाब के रस्ते में किसी भी चोट के कारण हो सकती है, और अंत में कैंसर की वजह से भी हो सकती है. मूलतः पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं या उनको कंप्लेंट्स होती हैं जिसमें कि यूरिन की धार का पतला हो जाना यानी कि पुअर स्ट्रीम होना, या फिर जोर लगा के पेशाब का आना, या ब्लैडर को खाली नहीं कर पाना जिसके कारण बार बार पेशाब का आना, या फिर पेशाब में बदबू होना, जलन होना, या बार बार इन्फेक्शन का होना. इसके अलावा पेशेंट्स को बार बार पेशाब में खून का आना, गांठ का नीचे के रास्ते से दिखना या महसूस होना, ये सभी लक्षण हो सकते हैं. इसके ट्रीटमेंट के तौर पर सर्जिकल एक्सीजन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसके माध्यम से मरीज अपने लक्षणों से संपूर्ण आराम पा सकते हैं. ये ऑपरेशंस मूलतः बहुत सेफ होते हैं और एक दूरबीन के माध्यम से पेशाब की नली के रास्ते से ये गांठों को निकाल दिया जाता है. इसमें पेशेंट को कोई ज्यादा परेशानी या दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता और ये बिना पेट काटे ऑपरेशंस किए जाते हैं.
इन ऑपरेशन को करने के बाद पेशेंट काफी बेटर महसूस करते हैं और अपने सिम्टम्स से पूरी तरह से निजात पा सकते हैं, जिससे कि उनकी लाइफ बहुत ही बेटर हो सकती है, सिम्टम फ्री हो सकती है और वापस से नॉर्मल हो सकती है।